अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेक्सला वॉक एंड में, और एक बहुत खूबसूरत प्लेस है यहाँ का। हम जब भी रावलपिंडी से टेक्सला की जानिब यहाँ से गुज़रते हैं, तो वो साइड पर जो है ना, एक ब्रिटिश के ज़माने का एक खूबसूरत समझा मोमेंटम है, तो उसका मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। एक खूबसूरत प्लेस भी है, तो चलते हैं आगे। सो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे चाचू भी हैं, शकील अहमद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो ये भी मेरे साथ आए हुए हैं, और हम दोनों जो है ना ऊपर की तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं व्यूज़ के किस तरह की सिचुएशन है, मतलब क्या तारीख है उसकी। ये जो है टेक्सला से, और यहाँ से छोटा सा लिंक रोड है, ऊपर आते तकरीबन 2 मिनट का रास्ता है, और हम लोग जो है ना एक यहाँ से आगे भी रास्ता जाता है। सो एक खूबसूरत सा प्लेस भी है जो है ना, इसका मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। तो ये पहाड़ों के दामन में मौजूद है, और हमने अपनी बाइक वो सामने खड़ा की है, और साथ में सामान वगैरह भी अपना वहीं पर रखा है हमने। तो ये आप पहाड़ देख सकते हैं ऊपर, बहुत खूबसूरत से पहाड़ भी हैं जो है ना, पहाड़ों का जो दामन में जो है ना ये बस है। तो चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं बाकी के व्यूज़। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि अब जल्दी से मैं इसके पास जाऊँ, वो देखूँ इसकी तारीख पढ़ूँ कि ये आखिर है क्या चीज़। काफ़ी टाइम से हमने इसे देखा हुआ है, और आते जाते रोड से तकरीबन 5 मिनट का फासला है, लेकिन यहाँ आने का कभी जो है ना मौका नहीं मिला। से अगर रॉलपिंडी से रॉलपिंडी की तरफ जाता है लाजमी उसे नज़र आता है। ये आप देख सकते हैं जो पेशावर रोड है, रास्ता टेक्सला से गुजरती है जीटी रोड, और इस तरफ आगे पेशावर रोड जा रही है, और इस पहाड़ी की दूसरी तरफ से जो है ना रावलपिंडी की तरफ जाती है, और अभी हम बिल्कुल टॉप पे पहुंचने वाले हैं। सो फाइनली जो है ना मैं टॉप पे पहुंच चुका हूँ, और यहाँ के आपको जो है ना व्यूज़ दिखाता हूँ। काफ़ी हाइट पे ये मौजूद है, और इसकी तारीख है वो भी देखते हैं यहाँ पे। सो चलते हैं ऊपर, और ये आप इस तरफ देखें तो इस्लामाबाद की जो है ना जीटी रोड, तो इस तरफ इस्लामाबाद है, आप देख सकते हैं नीचे। और कैसा लग रहा है आपको, कैसी जगह है? हम तो काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं, बहुत हाइट पे, चारों तरफ व्यू बड़ा क्लियर है। इस तरफ मेरे ख्याल से भी पहाड़ वगैरह लगे हुए हैं। हाँ शायद। सो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, और ऊपर चलते हैं तो देखते हैं। सो इसके अंदर मैं मौजूद हूँ अभी, और ऊपर जो सीढ़ियाँ तो जा रही हैं, लेकिन कुछ ख़तरनाक सा लग रहा है, बिल्कुल अजीब सा, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं है। और ये है जी इसकी डेट, कब ये बना, और काबल 1840, शेख सिखवार 1845, और ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ये आप इसकी जो है ना देख सकते हैं तारीख। ये जो है ना इसकी तारीख है। तो ऊपर तो खैर मैं नहीं जा सकता, कुछ जो है ना काफ़ी हाइट पे ये मौजूद है, और चलते हैं वापस बाहर, क्योंकि काफ़ी पुराना और कदीम है। तो फाइनली मैं घूम के आ गया हूँ,
अंदर तो कुछ डर सा लग रहा है, सो चलते हैं वापस। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे आके, और क्योंकि हवा यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा है और हवा भी है काफ़ी, तो जो है ना बहुत इंजॉय भी किया मैंने इस मोमेंटम में इसको देख के। सो जी बहुत ही मज़ा आया और हमने बहुत इंजॉय किया इस जो मोमेंटम है खूबसूरत सा। तो अभी हमने जाना है रावलपिंडी की तरफ, सो टाइम काफ़ी हो गया, हमने खाना भी अभी तक नहीं खाया, भूखे प्यासे जो है ना हम निकले हुए हैं अपने सफ़र पे, तो कहीं जो है ना होटल वगैरह पे रुकते और खाना भी खाते हैं, क्योंकि पहले खाना उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं। वैसे आज बाई चांस जो है वेदर भी बहुत अच्छा था, हाँ धूप लगी हुई है और यहाँ जो हल्की हवा चल रही है उसका बहुत ही अलग मज़ा आ रहा है। बिल्कुल यही बात है, उसी वजह से भी हमारा ब्लॉग भी काफ़ी अच्छा बन गया है। तो आप बताइएगा, खासकर जो ये प्लेस हमने देखा है ना आउटस्टैंडिंग, इस तरह का प्लेस मैंने नहीं देखा। इसकी तकरीबन हाइट है 70-80 फीट प्लस होगी, ज़्यादा होगी, और जो इसके अंदर तारीख लिखी हुई है 1857 की तारीख लिखी हुई है, और ये बहुत ही तारीखी है। मेरे ख्याल से आप इस तरह कह लें कि तकरीबन ये है कोई 200 साल आप कह सकते हैं कि ये पुराना है। और इस पर काम जो काम किया गया है ना इस पर, वो बहुत ही अच्छा किया गया है, जो इस पर पत्थर वगैरह लगाए गए हैं, और जैसे ये सीढ़ियाँ मैं आपको दिखाता हूँ आगे, बहुत ही ज़बर, ये आप देखें इसकी जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, बड़ी पुख्ता है ये, पुख्ता और बहुत अच्छी बनी है ये। मेरे ख्याल से इंतजामिया को जो है ना इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं आ रहा, बहुत पुरानी हमारा एक ये विरसा है, इसके बारे में जो है बताएं ताकि लोग यहाँ पे आएँ। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो अगर आपके जो है इस तरह की कोई भी टूरिस्ट प्लेस है या इस तरह की जो है ना ट्रेडिशनल मोमेंटम है तो आप जरूर बताएँ ताकि मैं उसको भी एक्सप्लोर करूँ। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अर्थात पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you.